Now in this particular video, we are going to learn how to import data from web. Basically, these are used by those people who are dealing with the real-time data. Suppose share price analyze koi kar rahe, toh maybe he is using 4-5 different share prices on a real-time and usko ek analysis karne, maybe, or if you have your own portfolio of a particular shares, तो आप क्या कर सकते हो, आपको रियल टाइम में आपको अपना पोर्टफोलियो का अमाउंट अगर पता करना है कि जैसे जैसे शेयर प्राइस चेंज हो, ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो चेंज होते रहेगा, तो आपको वो पता लगाने कि आपका क्या पोर्टफोलियो फिगर होगा. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको लाइव डेटा चाहिए, लाइव डेटा ऑफ शेयर प्राइस, लाइव डेटा ऑफ स्कोर्स, डिफरेंट मैचेस होते हैं, उन मैचेस में देर आर डिफरेंट एनालिस्ट्स हु एनालाइज, हु टेक आउट द प्रोबेबिलिटी कि कैसे इस मैच में जीतने का किसका ज़्यादा चांसेस है. ये सारा चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लाइव डेटा चाहिए, हमें चाहिए अपने शेयर प्राइस का लाइव डेटा हमारे एक्सेल शीट में रहे. दिस इज़ द एक्सेल शीट विच आई एम हैविंग. सपोज़ यहाँ पे मैंने एक एनालिसिस परफॉर्म कर रखा है, एंड उसके लिए मुझे कंटिन्यूसली अपने डेटा को अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम बेसिस. इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आपका डेटा शेयर प्राइस चेंज होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन टू द इंटरनेट एंड सर्चिंग एंड यहाँ पे उसको वापस से इंपोर्ट करके एंड उसको उस पर एनालाइज करना, इतना टाइम नहीं वेस्ट करके क्या ऐसा कुछ है कि डायरेक्टली हम एक्सेल में अपने डेटा को वो अपने आप अपडेट हो जाए, आपको कुछ करना ना पड़े एंड अपने आप आपका डेटा कंटिन्यूसली अपडेट होते रहे इन एक्सेल. तो इसके लिए वी यूज़ अ फीचर कॉल्ड इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम वेब. Now the first thing I'll show you, I'll take a very simple site I've taken here, timeanddate.com मैंने ले रखा है. एक वेबसाइट है www.timeanddate.com, ये आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा. यहाँ पे यू विल सी करंट टाइम दिखा रहा है, 9:49 PM हो रहा है. ये टाइम मुझे इम्पोर्ट करना है अपने एक्सेल शीट में एंड आई वॉन्ट दिस टाइम टू गेट चेंज्ड एज द टाइम चेंजेस ओवर हियर. What I want is that my Excel sheet to get updated on a real-time basis. तो सबसे first step है, मैंने अपना obviously आपको इसके लिए internet connection चाहिए अपने laptop पे to perform this video. तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला URL copy करेंगे, इसे हम URL बोलते हैं, जो generally आप इसको site name भी बोल सकते हो. Now this is my Excel sheet. यहाँ पे data tab में जाएंगे, from web is the place where I need to import my data from. तो आपके पास बहुत सारे sources है, you can import data from various other sources to Excel. हमें अभी currently चाहिए from web. यहाँ पे हमने address bar में जो भी junk था उसको delete किया. Control V से हमने paste किया अपने address को. अब इसको हम लोग गो करेंगे, हाँ. तो ये आपका डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ, यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया अपने URL को जहाँ से हमें अपने डेटा को इम्पोर्ट करना है. इट कैन बी एनी वेबसाइट यू वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम. बस यहाँ पे अब आपको एक येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है. This, when you click on this particular yellow box, इससे क्या होता है ना, वो पूरा चीज़ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, next to the tables you want to select and click import. Basically इस particular yellow box पे जब आप click करोगे तो वो जो content है इस box का वो आपके Excel sheet में import हो जाएगा. Generally we have small boxes. In this particular site आपको small box नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको पूरा चीज़ import करना पड़ेगा, पूरा फाइल. जनरली यू हैव स्मॉल बॉक्सेज, मे बी यू हैव अ स्मॉल ईच स्मॉल बॉक्स फॉर मे बी दिस स्मॉल बॉक्स. यू कैन सेपरेटली इम्पोर्ट दीज पर्टिकुलर बॉक्सेज. इट विल ऑल डिपेंड ऑन द साइट, द वेबसाइट विच यू आर यूजिंग एंड द वेबसाइट फ्रॉम विच यू आर इम्पोर्टिंग योर फाइल फ्रॉम. तो सिंपली आप इसको क्लिक करोगे, ये टिक हो गया. अब यहाँ पर हमने इम्पोर्ट पर क्लिक करना है. इम्पोर्ट पर क्लिक करने से इट विल टेक सम टाइम डाउनलोड होने में, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन. अब आपको कहाँ पे अपने डेटा को इम्पोर्ट करना है वो आपको बताना है एक्सेल को. तो अगर आपको इसी पर्टिकुलर शीट में, एग्जिस्टिंग शीट में बताना है, सेल हम कर देते हैं A1 शीट पे मुझे इम्पोर्ट करना है. आई जस्ट क्लिक ओके एंड यहाँ देखो अपने आप माई डेटा गॉट इम्पोर्टेड इन टू एक्सेल.
आई जस्ट शो यू, थोड़ा ड्रैग करना पड़ेगा हमें. एंड या सो दिस इज द करंट टाइम जो मुझे मिला, 9:53 PM. 9:53 PM हो रहा है अभी एंड दिस इज द टाइम विच आई हैव गॉट. नाउ अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को रिफ्रेश करना है. अभी करंटली टाइम इज 9:53. लेट्स वेट फॉर सम अ फ्यू सेकेंड्स एंड लेट्स वेट फॉर द टाइम टू चेंज सो दैट आई शो यू ऑल. एंड मे बी अभी हम अगर रिफ्रेश पे क्लिक कर दें तो देखो 9:53:49. 9:53:49 चेंज हो गया अपने आप. अगेन आई क्लिक ऑन रिफ्रेश. जब आप रिफ्रेश पे क्लिक कर रहे हो तो देखना यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा गेटिंग डेटा फ्रॉम वेब का. एंड सी इट इज चेंजिंग. अब नाउ इंस्टेड ऑफ चेंजिंग, नाउ इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन रिफ्रेश ऑल द टाइम, द बेस्ट वे विच वी यूज इज दैट हम लोग क्या करते हैं. अभी देखो, अभी व्हेन यू आर इन दिस पर्टिकुलर सेल, अभी ये प्रॉपर्टीज़ का जो ऑप्शन है वो ब्लैंक है. तो आपको इस सेल पे आना है जहाँ पे कोई भी सेल पे जहाँ पे भी आपने अपने डेटा को इंपोर्ट कर रखा है, कोई भी सेल पे आपको आना है. आपको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है. यहाँ पे यू विल गेट एन ऑप्शन फॉर रिफ्रेश एवरी लेट्स सपोज 1 मिनट. तो हमने इसको कर दिया रिफ्रेश एवरी 1 मिनट, यानी कि अपने आप मेरा एक्सेल फाइल रिफ्रेश होते रहेगा इन एवरी मिनट. तो बार बार मुझे इस रिफ्रेश बटन को क्लिक नहीं करना पड़ेगा. सो आई हैव सेट रिफ्रेश एवरी 1 मिनट. आई नॉट डू इट फॉर 60 मिनट्स, ऑब्वियसली 1 मिनट दिखाएंगे एंड इसको हम कर देंगे ओके. नाउ लेट्स वेट फॉर 1 मिनट सो दैट इट गेट्स रिफ्रेश्ड. लेट्स जस्ट वेट फॉर 1 मिनट एंड अपने आप हमारा टाइम चेंज होते रहेगा. आई एम नॉट क्लिकिंग ऑन रिफ्रेश, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट टू गेट ओवर. ऐसे यू कैन इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एनी एक्सेल, एनी वेब पेज यू वॉन्ट टू, एंड आपका डेटा अपने आप रिफ्रेश होगा ऑन अ रियल टाइम बेसिस. जनरली दिस इज डन बाई पीपल हु कैरी आउट डेली स्टॉक एनालिसिस. उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाते कि बार बार उन लोग इंटरनेट पे जाएं, स्कोर पता करें, शेयर प्राइस पता करें और फिर उसको अपनी शीट पे लाएं और एनालाइज करें. सो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम. सो जस्ट वेट. हाँ तो देखो अपने आप इट गॉट चेंज्ड. देखो कॉपिंग वेब डेटा, देखो या इट गॉट चेंज टू 9:56. 9:56 पहले क्या था, 9:55 10 seconds था, अभी अपने आप 9:56 16 seconds हो गया. सो इट विल चेंज इन एवरी मिनट. एंड जब ये चेंज होगा, जब ये रिफ्रेश होगा, ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन फॉर दिस थिंग. एंड यहाँ पे आपके स्टेटस बार में, रिमेंबर दिस इज द स्टेटस बार विच यू हैव, स्टेटस बार में अपने आप इट विल शो यू दैट यू आर दैट द एक्सेल फाइल इज कॉपिंग डेटा फ्रॉम द वेब पेज. सो दिस इज हाउ यू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम अ वेब पेज. आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू प्लीज कॉपी डाउन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. आई विल जस्ट डिस्कस. कॉपी द यू आर एल फ्रॉम द वेब पेज यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट द डेटा फ्रॉम. जो हमने किया, जो येल्लो बॉक्स था उस पर आप क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर बॉक्स में जितने भी डेटा है वो आपका इम्पोर्ट हो जाएगा. यू विल हैव टू रिफ्रेश इट एवरी टाइम फ्रॉम द डेटा टैब. और टू इम्प्रूव दिस वॉट वी कैन डू इज वी कैन क्लिक ऑन प्रॉपर्टी एंड रिफ्रेश एवरी 1 मिनट जो हमने किया.